गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। सो गाइस आप लोग कैसे हो, आई होप आप सभी लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। सो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं एक नई वीडियो बनाने, जिसमें कि हमारे पार्टनर हैं जो पहली बार गाड़ी चलाई थी, दूसरी बार चलाई थी, आपकी बार तीसरी बार गाड़ी चलाएंगे, उसके बारे में हम उनको जानकारी देंगे और वो वीडियो आप सभी लोगों को दिखाएंगे और आप लोग वीडियो पर बने रहें। सो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं कार के अंदर, तो ये हमारे हाथ में स्टेयरिंग और अभी होने वाली ड्राइव फुल टू। तो गाइस आज हमारा थर्ड टाइम है ड्राइव का, तो आज बताने वाले फिर से, बाकी देखते हैं मैं क्या क्या मिस्टेक्स करता हूँ आज या नहीं करता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, वो आप सब देख लेंगे। सो गाइस जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है वो जाके चैनल पे चेकआउट कर लें। बाकी भाई गाइस आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। गाइस आपको मैं दिखाने चाहता हूँ, जैसे भी होगा वो हमारे पार्टनर को मैं अपनी गाड़ी चला के दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो कहीं पर भी स्किप मत करना गाइस, वीडियो को एंड तक वॉच करें। अब बोलो। सो गाइस निहाल है हमारे और ये गाड़ी, आप स्टार्ट करिए, आप लिफ्ट गाड़ी मोड़ सकते हैं। एडिकेटर चलाने का कारण इसमें यही होता है कि आपके पीछे वाला जो भी है वो समझ जाएगा कि आप गाड़ी किस साइड मोड़ना चाह रहे हो। ठीक है, आप फ्लेश को सीधा करिए पहले ऐसे, और आपको गाड़ी जब मोड़नी हुआ करे तो आप क्लेच पे पैर रख लेंगे। स्कूटी गिर गई, क्या हुआ सामने स्कूटी गिर गई, अरे ये क्या हो गया भाई। अच्छा कोई नहीं आराम से चलो उठा लेंगे, वो हमें लगता है कि गाड़ी की स्कूटी गिराई गई है या गिर गई है, जो भी है। देखो रील बनने वहाँ पे गए, रील शूट हो रही है सामने, स्कूटी गिरा के देख रहे हो, ये होते नॉन्डे। आप आराम से चलाइए, अब आप सीधा चलना चाहते हैं, लेफ्ट चलना चाहते हैं, जहाँ पे चलना चाहते हैं वैसे चल सकते हैं। आराम से सीधा चलिए, आप सीधे चलेंगे, हाँ सीधा चले, आराम से चलिए, ज़्यादा तेज नहीं चलना है। और जब भी आप गाड़ी मोड़ेंगे जिधर उधर को आपका इंडिकेटर जलाना है, तो सामने वाला जो है या पीछे वाला जो है वो आपको समझ जाएगा कहाँ पे गाड़ी मुड़ने, किस साइड मुड़ने जा रही है। और उसके अलावा एक चीज और, आप मोड़ पे गाड़ी जब भी मोड़ेंगे तो आप हॉर्न देके गाड़ी मोड़ेंगे, ये ऐसे करके, तो सामने वाला जो भी है वहाँ पे समझ जाता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कैसा है जो भी है। आराम से चलाएंगे क्योंकि यहाँ पे गड्ढे भी हैं, और बहुत आराम से चलाएंगे, आप हिलाएंगे नहीं स्टेयरिंग, आप हिलाते हो ऐसे करके, ऐसे तो ऐसे करने गाड़ी जो है हिलती है, आप टाइट पकड़ के रखेंगे। और कैसे पकड़ना है आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे हाथ रखिए ऐसे करके, तो ऐसे करके जब आप पकड़ेंगे तो ये आपका पूरा प्लेस हाथ पे टाइट रहेगा, तो आपकी स्टेयरिंग हाथ में टाइट करके पकड़ रहेगी, तो ऐसे पकड़ सकते हो, पूरे हैंडल नहीं सीधी हैंडल कर रहे हो, और आराम से इसकी थोड़ा थोड़ा आप दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाना है आपको, और ऐसे करके आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। हल्की से धीरा करिए, धीरे धीरे चलाएंगे, फर्स्ट गियर में जितना हो सके आप कम भगाएं, उसके बाद आप रोड पे डिपेंड करता है कौन सी कैसी रोड है तो उस पर कौन सा गियर डालना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद आपको क्या है कि अभी तो आपको केवल साइड में देखना है कि आपको किस साइड से कितनी दूरी पे गाड़ी मोड़नी है, कितनी पास से गाड़ी मोड़नी है, मोड़ते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और हमें बाएं मोड़ना है तो कौन सा इंडिकेटर जलाना, दाहिने मोड़ना है तो कौन सा इंडिकेटर जलाना है। अब बात ही रोकने की, अब रोकना, हाँ बात ये हो जाती है। अब आप सपोज करिए आपको गाड़ी रोकनी है तो आप क्या करेंगे, पूरा क्लेच दबाइए और ब्रेक लगा दीजिए, ऐसे करके आपकी गाड़ी रुक गई यहाँ पे। ठीक है, आप सपोज करिए ट्रैफिक में है तो आप हल्का सा पैडल स्केलेटर का दबाएंगे और क्लेच का हल्का छोड़ेंगे तो गाड़ी इससे बढ़ेगी आपकी, तो इस तरह आप गाड़ी बढ़ा सकते हो। अपन न्यूट्रल लेंगे, अब आपको न्यूट्रल करना है यहाँ पे,
तो गियर को पूरा क्लच दबाएंगे, उसके बाद न्यूट्रल करेंगे। और सपोज करिए आपको आगे गाड़ी चलानी है, फिर से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करने के बाद या स्टार्ट करने पहले दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आप वहाँ पे रख सकते हो और अपना दिमाग लगा सकते हो। पहली चीज ये होती है कि आपको इस गाड़ी पे बैठने से पहले आपको क्या करना है, आपको पहले सीट बेल्ट लगानी है, उसके बाद आपको क्लच दबाना है, उसके बाद स्टार्ट करनी है, तब आपको गियर डालना है। इससे ये होगा कि कई चीजें जो होती हैं इम्पोर्टेंट होती हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं, उसके कारण उन लोगों को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको पहला काम यही करना है कि गाड़ी पे बैठेंगे आप पहले सीट बेल्ट लगाएंगे और उसके बाद क्लच दबाएंगे, उसके बाद तब आप गाड़ी उसको स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप गियर डालेंगे। और ऐसा भी नहीं कि मालूम हुआ पहला गियर नहीं डाले, दूसरा डाल दिया, तीसरा, चौथा, ऐसे नहीं डालना है। फर्स्ट गियर ही में गाड़ी उठनी है आपकी। जब फर्स्ट गियर में आप गाड़ी उठाएंगे तो आराम से गाड़ी आपकी आगे बढ़ जाएगी और आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अविनाश,